जी एक ना क्वेश्चन आ, क्वेश्चन देता हुआ सैकेंड, ये जितों तक लगता ना मैं पहला भी करवाया हुआ, ये कहता एक्स आ जोड़ा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता 0 to 1, कहता -2 log x दी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो केड़ी है। राजे असल च ना आपां कीती हुई है ये, जे थोनू याद हो पिछली एक्सरसाइज आई थिंक आई सीगी, मैं देखदा एक मिनट जे मैनू लभ जे आ पिया। अठवां क्वेश्चन है 208 पेज ते, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। सो 208 जानी कि ये एक्सरसाइज हैगी है फोर्थ ए दा अठवां क्वेश्चन ए मैच करदा फोर्थ डी दा दूसरा क्वेश्चन, ये सेम है। पर जिहड़ा फोर्थ ए दा अठवां क्वेश्चन सीगा उहदा आंसर देखो की आया सी, आंसर जिहड़ा सीगा फोर्थ ए दा अठवें क्वेश्चन दा आंसर सी ओह की सीगी, हुण तुहानूं थोड़ा जिहा कैच होगा बई की हो की रहा है। 1/2 ए दी माइनस वाई बाय टू, 0 तो y इनफिनिटी तक सी, अदरवाइज 0। हुण ये आया सी अपने कोले जी वाई है ना। हुण मैनूं एक गल दसो भी ये थोनों केड़ी डिस्ट्रीब्यूशन लगती है, डिस्ट्रीब्यूशन केड़ी है। जे मैं थोनों कहना कि अल्फा जिहड़ा अपने कोले एक डिस्ट्रीब्यूशन सीगी जे थोनों याद होवे काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन जिहड़ी आपां हुणे कीती है, उहदे च पहले तो वह की सी, पहले मैं वह लिखना एक मिनट लभ के, जी वाई जे लिखनी हो एक्स की जगह तो वाई पा के वाई आर बाय टू माइनस वन ई दी एक्स, एक्स की जगह तो वाई बाय टू इतें आर बाय टू टू आर बाय टू इतें वाई ग्रेटर दैन अदरवाइज 0 सी है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन केड़ी है, एक काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन आए जी लिखी दी है, यह काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री कि आर है ना। हुण देखो जे आर की जगह तो मैं टू भर दा ए की आऊगा, जी वाई की बनूगी, आर की जगह टू भर दो वाई टू बाय टू की हो जाएगा वन, वन माइनस वन माइनस वाई बाय टू इतें टू बाय टू वन टू टू बाय टू वन ठीक है, वाई ग्रेटर दैन 0 अदरवाइज 0। जे गौर नाल देखो तो ये सेम नहीं बन गई, वाई की पावर 0 की होंगी है वाई बाय टू, वाई की पावर 0 वन नहीं आ गई, इन अगे की है 1/2 पाया 0, वाई की है ग्रेटर दैन 0 अदरवाइज 0। यानी कि ये जिहड़ी आंसर आ ये की है, ये काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन आ, यानी कि वाई है जिहड़ा किनू फॉलो करता काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री 2 नू, ठीक है। सो जिहड़ा हैगा देखो चौथे दी डी दा आंसर आ जिहड़ा, उन्हें फंक्शन सेम लिखिया, आंसर नूं गौर नाल देखो उन्हें पहला तो ए लिखिया होया, ठीक है, तो फिर उन्हें नाल ये भी पाता कि काई स्केयर पा के ब्रैकेट च 2 पाया होया, इहदा मतलब समझ गए होंगे तुसीं कि काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री 2 आ इह, ठीक है। ओए इह क्वेश्चन पहला भी आया होया, सो मैं दोबारा नहीं करवाउणा इह। चलो अगे होर क्वेश्चन देखते हैं कोई वधिया जिहा। पी प्रोबेबिलिटी एक्स इज ए काई स्केयर, एक चीज़ राजे होर देखो अपने जड़े ना अगले क्वेश्चन है ये टेबल तो करने पैने हैं, ये टेबल हैगा एंड ते दिता होया, देखो इतने लिखा होया काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 2। हुण इनू ध्यान नाल देख लो भी इनू वरतना किवें है, ठीक है। जिमें ये जिहड़ा सारी पहला कॉलम आ, सब तो पहला उपर आर लिखा होया, थले तक आप जाने ये राजे आर दियाँ वैल्यूज़ आ, आर की होंगी है आए लिखते हैं ना आप काई स्केयर आर, ये जिहड़ा आर आदियाँ वैल्यूज़ है ये सारिया नीचे, जाने कि पहला आप आर फाइंड आउट करनी है। मान लो आर ताड़ी आ गई 10 आ पई है, तो यदा मतलब की है हुण ताड़ा काम की आ गया सारा इस रो च, ठीक है, ये सारी रो दियाँ ताड़ियाँ वैल्यूज़ पईआं, पर ये वैल्यूज़ की दियाँ एक्स दियाँ वैल्यूज़ आ सारियाँ अंदर जड़ियाँ बनिया हुई, तो आउटपुट की है आ वा, मतलब जिमें आर तो तुसी 10 सिलेक्ट कर ली, एक्स 2.5 जाने कि एक्स आई नहीं आनी, एक्स जे आई लैस दैन इक्वल टू, आ देखो साइन देखो पर लैस दैन इक्वल टू वाला पाया हुआ, एक्चुअली ना यह कमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जिहड़ा वैल्यूज़ है यह,
एक्स की वैल्यू इत्थे जे तुसी भरोंगे ए आ देखो 2.56 ते इहदी आंसर की आऊगा आंसर आ देखो पहला तो 10 तो इत्थे आ गए इत्थों ए एक्स की वैल्यू भरी आंसर ए पिया आ पिया 0.01 जे एक्स की वैल्यू आ भरोंगे मान लो 20.5 भरी आंसर की आऊगा आ 20.5 पई आ आ आंसर पिया 0.977 ये प्रोबेबिलिटीज़ पईआं हुण तुसी कहोगे सर एक्स दीआं तां किन्नीआं ही वैल्यू आ उपर तां थोड़ीआं ही आ हाँ ठीक आ डिग्रियां भी बदल रही ना एक्स दीआं किन्नीआं वैल्यू किन्नीआं क्या कितने वैल्यू देखो ये किन्नीआं 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रोबेबिलिटीआं किन्नीआं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जदों डिग्री बदलूगी तो एक्स दीआं वैल्यू भी तो बदल रही ना जे 15 डिग्री है देखो वैल्यू किन्नी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्स दीआं वैल्यू प्रोबेबिलिटीआं भी 6 ही है सो इदां काइस्केर दा टेबल देखना तुसीं चलो करिए शुरू आपां एक क्वेश्चन जिहा दित्ता होया इन्होंने ये कहिंदे आ कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ जिहड़ा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपां नूं दित्ता होया 1 - 2t^5 राजे एक चीज़ याद रखियो एक गामा डिस्ट्रीब्यूशन आ जी काइस्केर डिस्ट्रीब्यूशन भी होंगी है शर्त यह बीटा 2 हो जाए क्योंकि फिर मान लो अल्फा जो मर्जी है आर की वैल्यू तो आप कढ ही लैनी है ना 2α लिख के आर की वैल्यू तो कढ ही लैनी आप बीटा 2 आ जाए बस आर तो निकलिया ही पिया ये समझ लो ठीक है चलो करिए शुरू अपने को एक इन्हों का क्वेश्चन है मैनू मिल नहीं रहा ये पिया -6 वाला एक मिनट वेट करो हाँ पिया 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 मिल गया अपने को दिता होया 1 - 2t - 6t < 1/2 इज मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये क्वेश्चन हैगा राजे ताडा तीजा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये देता ठीक है हुण मैनूं एक गल दसो भी इहदे च बीटा की आ रहा बीटा की आ जे तुसीं इहनूं गौर नाल देखो आपां जिहड़ा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन लभ के आए हाँ वह कहे जा सीगा कंपेयर करो रफ ये रफ कम आ 1 - β(t)α(t < β) ठीक है सो आपां की कीता कंपेयर इट विद कंपेयर इनू लिख ही लो बैच ही सोल्यूशन स्टार्ट हो गया अपना तीजे क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ लियो इज़ मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन इतने लिख लो वी नो दैट इनू बैच ही पा लो राजे बॉक्स वाली चीज़ भी सोल्यूशन पा लो वी नो दैट इज़ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन है ना गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन यही होंगे कंपेयर बोध वी गैट की अपन मिले बीटा मिल गया 2 लो जी एदा मतलब काइस्केर डिस्ट्रीब्यूशन यह बन जूगी अल्फा की आ गया 6 अल्फा 6 आ गया एदा मतलब जिहड़ी अपने को मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ यह कीदा बन गया देयरफोर इन 1 लिख लीए 1 is movement generating function of chi-square distribution with degree r where r की है where r by 2 is equal to alpha ते alpha कितना दिता होया अपन 6 इहदा मतलब r की आ गया 12 इहदा मतलब अपन नूं इन्ना का पता लग गया कि जिहड़ा अपना मूवमेंट वेरीएबल आ देयरफोर x आ उह किहनूं फॉलो करदा काइस्केर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता जिहदी डिग्री किन्नी है 12 हुण इहदे बारे टेबल तो सारा कुछ कढ़िया जा सकता पर उहने कढ़न नूं की किया उह कहिंदा फाइंड नाउ वी विल फाइंड पी एक्स लैस दैन 5 23 लो जी हुण ये आपां लभदे हां टेबल च काइस्केर डिग्री 12 वा टेबल च चले चलो 12 वाली लाइन इतों 1 °, 2 °, 3 °, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ पई है 12 ठीक है तो पूछा कि इन्हें 5.23 आ पिया 3.57, 4.40, 5.23 के उपर की है 0.05
0.050 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟੇਬਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਟੇਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ DM ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਬਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ ਬੈਟਰ ਆ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਟੇਬਲ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਐਂ ਕਰੋ ਚੌਥਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਚੌਥਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਚੌਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਫ ਐਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਈ ਸਕੇਅਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, 5 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਫਾਈਂਡ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ ਸੋ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਐਕਸ ਡੀ ਇਜ਼ 0.95। ਲਓ ਜੀ, ਐਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਹੈਗਾ 0.025। ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਰਫ ਕੰਮ 'ਚ ਸਮਝੋ। ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਜਦੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਬਚੂਗਾ ਕੀ? ਸੀ ਡੀ। ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੇ 'ਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਘਟਾ ਦਾਂ ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਇਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਜ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਜਾਓਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਐਕਸ ਡੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੋਂ ਡੀ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚਲਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ? ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਡੀ ਤੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ? ਏ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਘਟਾ ਦਿਉ। ਘਟਾਇਆ ਕਿਹੜਾ? ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀ ਤੱਕ ਦਾ ਘਟਾ ਦਿਉ। ਰਾਜੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੀ, ਇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਦਿਓਗਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਡੀ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀ ਤੱਕ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੀ ਡੀ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰੋ, ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਡੀ ਤੱਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸੀ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਰੱਖ ਲਓ। ਐਫ ਐਕਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਆਓ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੋਂ ਡੀ ਤੱਕ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾ ਲਈ ਵਿੱਚ?
समझ लगती है ना। अगे तो आप सीखा ना हूँ तक कि सी तो इतने मान लो के आच सी तो डी तक जे इतने सी तो के ते ब्रेक कर सकते हो के तो डी तक ब्रेक कर सकते हैं पर शर्त यह भी के सी तो डी दे होना चाहिए हूँ सी तो डी दे माइनस इनफिनिटी तो है नहीं गी पर आ गई ना देखो के की जगह तो माइनस इनफिनिटी आ रही है ना सी माइनस इनफिनिटी तो डी पर पई तो कितने है माइनस इनफिनिटी सी तो डी तो इतने रह गए माइनस इनफिनिटी बाहर आ सो ये जी चीज़ है ना ये एवें ही बनाई हुई है राजे यदी लोड़ नहीं होंगी के बच्च होना जरूरी नहीं होंगे ठीक है ये चीज़ का ध्यान रखियो कित भी आप ब्रेक कर सकते हैं। चलो वापस आ जाओ यदि वैल्यू कितनी दी हुई है 0.95 यदि वैल्यू कितनी दी हुई है 0.025 इनू उधर ले जाओ यदि वैल्यू कैलकुलेट करो किड़ा क्वेश्चन सी है ये सीगा चौथा है ना चौथा क्वेश्चन की आऊगा इन जोड़े तो आई थिंक 97975 आऊगा है ना पॉइंट एक्स लैस दैन डी पॉइंट 975 आ जाऊगा तो उपर भी एक लिखा हुआ एक्स लैस दैन सी पॉइंट 0.025 हूँ ये वैल्यूज़ आ गई है ना इन्हों टेबल तो देख के कढ़ लो सौखा ही है ना काम कुछ भी नहीं राजे टेबल प्रिसाइज बुक मैनू नहीं पता केड़ी तो तुसी पढ़े केड़ी तो नहीं पढ़े पेपर च टेबल प्रिसाइज वाले ही लैके जाने आ प्रिसाइज वाले तो बहुत सौखे आ प्रिसाइज वाले टेबल ही लैके जाने आ उत्थे नहीं तुसी पंगे च पै जाना वा डी दसो की आऊगा पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने डिग्री कितनी है आ देखो 5 सो फिफ्थ च पहुँच जाओ आ गया ला फिफ्थ रोज है ना तो आप वैल्यू की कढ़नी है अच्छा एक्स दियाँ वैल्यू नहीं देखनिया प्रोबिलिटियां देखनिया हूँ तो प्रोबिलिटियां कितने आ पईया उपर अपनी प्रोबिलिटी कि 0.975 तो 0.975 तो है ही नहीं सो मैं 0.977 चक लूँगा ज़्यादा नेड़े दी है जी तो पंजवीं रोज आ जाऊँगा ये इत्थे आ गया जाने कि एक्स की वैल्यू की होगी इतने 12.8 जाने कि अपने को डी की आ गई 12.8 पर 8 तो घट होगी राजे ये क्योंकि ये थोड़ा जहा है ना 0.97 जोड़ा वो 5 अपना सो थोड़ा जहा एरर आऊगा ये है ना तो सी की वैल्यू सी 0.025 आ पई है ना तो इतने फिफ्थ डिग्री कि आ गई एक्स की वैल्यू आ गई 0.831 सो सी तो डी दैल्यू लग गई जाने कि प्रोबिलिटियां कई बार इतों देखनिया पै जाए कई बार एक्स लभना पै जाता कई बार प्रो पर पेयर है यह पक्का जिमें ए डिग्री ए एक्स की वैल्यू ए प्रोबिलिटी कई बार प्रोबिलिटी दिती होंगी है डिग्री दिती होंगी एक्स कढ़नी है कई बार प्रोबिलिटी तो एक्स दी हो डिग्री क्ढनी है कई बार डिग्री तो एक्स दिती हुई है सॉरी डिग्री तो प्रोबिलिटी दिती हुई एक्स क्ढनी है मतलब पेयर यह पक्का बनता जे ना समझ लगी मैं परसनली मैसेज करके भी पूछ सकते हो तुम ठीक है। चलो राजे अगे ना एक एग्जाम्पल 4 देखो फिर एक क्वेश्चन 5th करांगे तो 7th देख लांगे फिर उस तो बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ते चलना अज ही करनी है नॉर्मल भी एग्जाम्पल 4 वैसे देखा जाए ना चलो करवा देना इन्ना भी की आप है ना एक्स आ जिहड़ा ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत वधिया एग्जाम्पल आ एक्स हैज़ गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद अल्फा अल्फा जिहड़ा ये कहिंदा आर बाय 2 आ ओबियसली आप लैने ही हमेशा आर बाय 2 बीटा कोई पॉजिटिव नंबर आ कहिंदा ठीक है दैन अच्छा फिर जो आए बीटा बच्चे आ जाए ना फिर इन गामा अल्फा कौमा बीटा लिख देंगे ताड़ी बुक च नहीं लिख रहे ये मतलब प्रोबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है जोड़ा एक्स का की आजगा एफ एक्स एक्स अल्फा माइनस 1 होंगे ना अल्फा की जगह आर बाय 2 माइनस 1 ही लिख लो ई दी माइनस एक्स बाय बीटा ही लिख लो अल्फा की जगह आर बाय 2 ही भर दो शुरू चो कि बाद भी भरना ही हाँ आर बाय 2 बीटा की पावर अल्फा होंगे वो भी आर बाय 2 एक्स पॉजिटिव अदरवाइज 0 ये कहता जोड़ा प्रूव आ टू प्रूव की करना कि वाई है जी ना
ਉਹ ਹੋਵੇ 2x ਓਵਰ ਬੀਟਾ ਤੇ ਦੈਨ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਾਈ ਸਕੇਅਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਰ ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਕਾਈ ਸਕੇਅਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਈ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਐਕਸ ਨੂੰ 2 ਬਾਏ ਬੀਟਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਾਈ ਸਕੇਅਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਇਹ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ -2 ਲੋਗ ਐਕਸ ਵਾਲੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ 4th A ਦਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਵਰਗਾ ਜਾਂ 4th D ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2nd ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ -2 ਲੋਗ ਐਕਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ 2x ਬਾਏ ਬੀਟਾ ਦੀ ਲੱਭਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਵਾਈ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ y<y> ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 2x ਬਾਏ ਬੀਟਾ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ y(x) ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸੋ x ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੀਟਾ y/2, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖ ਲਈਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤਾਂ y ਹੋ ਗਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ 0, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ y ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਮੇਨ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ, ਬੀਟਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2x ਬਾਏ ਬੀਟਾ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ 2 ਬਾਏ ਬੀਟਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਨੈਗੇਟਿਵ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ gy ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, 0, ਖਤਮ ਕਿੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, 0। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖ ਲਓ y<y), y<y), ਅੱਗੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ p(y) ਕੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 0, ਸੋ gy ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 0। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ y 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ, gy ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 0 ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ gy ਕੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ, by ਤੋਂ 2, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, y ਹੈ ਜਦੋਂ y ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ beta/2 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੰਬਰ 0 ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਉ, ਐਕਸ ਕੀ ਸੀਗਾ r/2e-x(β)r/2, ਹੈ ਨਾ, β(r/2dx). ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਪੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਆਪਾਂ β(y)x ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, β(z)/2 ਐਕਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਜਦੋਂ 0 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜੈੱਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ, 0, ਐਕਸ ਜਦੋਂ β(y)/2 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜੈੱਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ y, ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ β(z)/2 ਭਰ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਕੀ r/2, ਈ ਦੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਉ, ਫਿਰ β(z)/2, ਨੀਚੇ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਬੀਟਾ, ਅਤੇ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ β(2) ਮੂਹਰੇ ਆਜੂਗਾ ਅਤੇ dz ਮਗਰ ਆਜੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ r/2 ਉਵੇਂ ਆਜੂਗਾ, β(r/2) ਉਵੇਂ ਆਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, β(2) β(r/2), ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੀਟਾ ਬਚਦਾ, ਬੀਟਾ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ, ਅੱਛਾ ਸੋਰੀ, ਇੱਥੇ r-1 ਆਉਣਾ, 1 ਘੱਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ β(r/2) ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ, r/2-1, ਇੱਥੇ ਬੀਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, r/2 ਆ ਗਈ, ਸੋ r/2 ਅਤੇ r/2 ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਟਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਗਿਆ, ਬੀਟਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਚੂਗਾ, 2, ਜਾਣੀ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆ ਗਈ r/2, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਈ, γ(r/2) ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੈੱਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਈ r/2-1,
तो ई की पावर कितनी आ गई माइनस जैड बाय टू डी जैड। देखो गौर नाल जे जैड की जगह पर एक्स कर दिए तो ए की बन गया जीरो तो वाई करो जैड की जगह पर एक्स, जैड की जगह पर एक्स कर दो, ये आ गया एक्स आर बाय टू माइनस वन ई दी माइनस एक्स बाय टू, ये आ गया आर बाय टू टू आर बाय टू, जाने के ए बन गया ताड़ा जी वाई है ना, जी वाई है जड़ा वो अपना की बन गया जीरो तो वाई ई दी माइनस भावें जैड ही रहन दो भावें एक्स कर लो, जैड ही रहन दा कि एक्स कर दा, फर्क तो बाद च तां आपां बदल ही देना इहनूं, आपां जैड ही रहन दो, चलो जैड ही रहन दो, जैड आर बाय टू माइनस वन आर बाय टू टू दी आर बाय टू डी जैड। हुण इहदा डेरीवेटिव करो की आऊगा, राजे सारा यही फंक्शन रह जांदा हुंदा पर जैड की जगह पर आ वेरीएबल आ जाता हुंदा, ये याद रखियो हुण पक्का, जिहड़ा अंदर हुंदा ना जे इत्थे एक्स हुंदा तां एक्स च आंसर आउणा सी, जे वाई है तां वाई च आऊगा, टी है तां टी च आउणा, हुण लिखणा सेम आ पर हुण वाई ही लिखणा, ये नहीं भी हुण जिहड़ा मर्जी कर लोंगे, जे जिहड़ा मर्जी लिखिया फिर गलत हो जाऊगा तुहाडा। लो जी जदों वाई पॉजिटिव आ तां डेरीवेटिव की हुंदा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन गया ना, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की कहता कि ये बराबर आ गया ई दी माइनस वाई बाय टू वाई दी आर बाय टू माइनस वन, इतने गामा की आ गया आर बाय टू टू की पावर आर बाय टू, कदों जो वाई पॉजिटिव आ, अदरवाइज की है जो वाई नैगेटिव है तो जीरो। सो ए है जे गौर नाल देखो ये हैगा काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन है, यू गलत जहाँ पा देना मैं, काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री कितनी है आर, मिला के देख लो भावें बीटा की जगह टू आया होया अल्फा की जगह आर बाय टू आया होया, काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन विद आर हो गया, जाने के जे एक्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा बीटा नाल, अल्फा जड़ा वो ताड़ा फिक्स आर बाय टू, दैन जड़ा टू बाय बीटा नू प्रोडक्ट कर दो एक्स नाल, नवा वेरीएबल आ जड़ा वो किनू फॉलो करेगा, वो काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन नू फॉलो करन लग जूगा जिहदी डिग्री आ रहा। लो जी जिहदा अपने कोल टेबल अवेलेबल आ, सब तो इंपोर्टेंट चीज़। हुण एक क्वेश्चन करन लगा मैं, एक क्वेश्चन हैगा फिफ्थ, ये कहिंदा एक्स दी एक्स कोल गामा डिस्ट्रीब्यूशन आ, एक्स हैज़ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बस इस तों बाद एक होर करवाऊँगा इहदा, फिर आप चलिए डिस्ट्रीब्यूशन विद अल्फा थ्री बीटा फोर, ये कहिंदा फाइंड करो 3.2.8 x 2.52, इनू फाइंड आउट करो, इत्थे आपां रिजल्ट लाउणा, वी नो दैट इफ एक्स हैज़, पिछला लैक्चर 25 मिनटां दा सीगा, 25 ते थोड़ा जिहा 60 मिनट दा लाया करांगे हुण आपां, क्योंकि काम आपां निबेड़ना हुण गामा डिस्ट्री, फिर टेस्ट लैणे आ थोड़े मैं, डिस्ट्रीब्यूशन विद अल्फा आर बाय टू एंड बीटा पॉजिटिव होवे, मतलब गामा डिस्ट्रीब्यूशन होवे एक्स हैज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद अल्फा आर बाय टू, राजे ये बारे कन्फ्यूज ना हो, मैं ये कह रहा गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद अल्फा बीटा की होवे, दैन वाई है जड़ी वो की हो टू एक्स बाय बीटा है ना, ये वेरीएबल आ जोड़ा ये फॉलो करेगा कि इनू काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन नू, हुण इहनू हैंडल किवें करना, आपां वाई लभीए पहलां तां वाई की हो सकदा अपना, टू एक्स बीटा किन्ना, बीटा 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 दिता इन्हां ने, हाँ दिता चार है ना, तो बीटा इत्थे चार लिख लो, जाने कि एक्स बाय टू आ जिहड़ा इह काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन नू फॉलो करेगा, डिग्री किन्नी होगी अल्फा, डिग्री होगी इत्थे अल्फा की जगह भरो तीन, राजे अल्फा की जगह तीन भर दो, दूजे पास की आर बाय टू आर कि आ गया छे, सो छे डिग्री की यह काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन नू फॉलो करेगा। देखो हुण सॉल्व कर लो इस चीज़ नू किवें करिए, प्रॉब्लम यह है पी 3.28 एक्स 25.2 ये मैं लिख लिया, पर इहदा कोई फायदा नहीं क्योंकि एक्स वास्ते अपने कोले कोई टेबल नहीं है, पर एक्स बाय टू वास्ते टेबल हैगा,
सो मैं 2 ना डिवाइड कर दूंगा सारे नूं 2.28 बाय 2 एक्स बाय 2 25 बाय 2 इथे 2 तो अल्टीमेटली अपने को नंबर आ जोड़े इन्हों डिवाइड कर लैन दो मैनू एक मिनट वेट करो अपने को एक्स वाई टू की जगह पर की बन गया ये तो अपन पता वाई बन गया ये नंबर मैं एक मिनट वेट करो इन्ने नंबर बन गए दोवें ठीक है मतलब ये बन गया 1.64 ये बन गया 12.6 तो अगले स्टैप किवें लिखांगे हुणे पिछला क्वेश्चन बन गया एक आई स्केयर का वेरीएबल आ ये टेबल बन टेबल ये अपन पता इन मैं ए लिख सकता वाई लैस दैन 12.6 सी डी वाला क्वेश्चन ज़्यादा हुणे आपां कीता सी प्रोबेबिलिटी एट डी वाली इत्थे रख ली सी सी वाली उधर रख ली सी ते डी दी जगह ते ए आ सी दी जगह ते ए आ डी वाला मूहरे आ सी वाला पिछे आ ठीक है वाई लैस दैन दिस हुण आपां टेबल दी हैल्प लै लैने आं ते आंसर लिख दिंदे आं क्योंकि वाई दा दा टेबल अपने कोल हैगा काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो किनू करदा आ पई आ राजे वीडियो ना ये पईआं ही आ मैं नहीं डिलीट करनी आ ठीक है थोड़ा जहा इन कोशिश करो कि बस मैनू ये है बई नाल नाल देखी चलो है ना तो एक जरूर है इन्ना क मैनू बई जे मैनू इन फ्यूचर लगे बी तुम इन्हों के सिर पर नुकसान हो रहा वीडियो का फिर मैं डिलीट भी कर दूंगा ऐ भी नहीं कोई चक्कर हैगा डिलीट नहीं प्राइवेसी ला दूंगा है ना वो जे बच्चे आलस खाण लग जाते कई बार मैनू जस्ट ये है कि हुण मैनू थोड़ा जिहा तेज़ काम करना पैना घंटे घंटे दियां वीडियो बनाउणियां पैणियां वा तो बच्चों तो कई बार नहीं देखिया जांदियां तां करके पिछलियां वीडियो अज तो पहलां वालियां जिहड़ियां मैं डिलीट कर सकदा वा वह मैं कर भी कर देणियां जदों मैनू लगेगा सही जाण के नहीं कीतियां हुई हजे थोड़ा जिहा नाल नाल काम करना शुरू कर दो एक्स दी काई स्केयर वाई आ जिहड़ा किनू फॉलो करदा काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री किनी सी 6 सी आई थिंक है ना सो 6 डिग्री जे इत्थे चले गए आपां आ गए आ लाइन च तो वैल्यू कि क्ढनी है एक्स की एक्स कि 12.6 तो 6 डिग्री च 12.6 आ पिया ठीक है तो ये उपर प्रोबेबिलिटी 0.95 तो 1.64 कितने पिया ये आ पिया डिग्री प्रोबेबिलिटी कि 0.05 तो ये ताड़ा आंसर है इन्हों सबट्रैक्ट कर दौ आंसर है एक मिनट ये भी काट ही लैन लो जी 0.9 ताड़ा आंसर आ गया पता लग गया किमें क्यों वो थ्योरम मैं अदरवाइज वो एग्जाम्पल मैं करवानी नहीं सी चलो अगे सारे क्वेश्चन तो ये मैं करवाते हैं थोड़ा जहा डेली कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन चंडीगढ़ चलो मेरी गल सुनो सातवां क्वेश्चन जिहड़ा उहदे च उन्होंने मैनशन किया पिया भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन नूं फॉलो करता सो इहदे च कोई औखा नहीं हैगा एक बार इहनूं ट्राई कर लियो मैं अगे चलिया हुण मैं देख लैण दो एक बार इहदे च कुछ औखा तो नहीं हो सकता यह तो औखा ही है पर एक बार ट्राई करियो प्रॉब्लम जरूर पुछियो ट्राई करियो सिटी हैज़ स्टॉक 30,000 लीटर्स ऑफ पेट्रोल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल अच्छा शॉर्टेज अच्छा राजे एक चीज़ है ये ध्यान रखियो आ जिहड़ा नंबर आ ना ये बस ये मैं हिंट देने लगा ये मैनू जिथों तक लगता है 20,000 आ फिर तुहाडा आंसर मैच करूँगा ये गलत लिखा होया इत्थे 20,000 कर लियो इत्थे ठीक है मतलब 2.5 की जगह पर 2 पा लो ठीक है बाकी ठीक है क्वेश्चन ये एक बार ट्राई करके देखियो ये क्वेश्चन किए आप टैक्स वाले जोड़े क्वेश्चन नहीं करवा के आया मैं पिछों फैमलिया वाले 10,000 तो वह फैमिली है तो वो 5,000 चो 4,000 घट के एंड तो 1,000 रह गया से याद है यो जहा क्वेश्चन है एक बार ट्राई करो जो ना हो मैं दस दौ मैं अगे चलन लगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज स्टार्ट कर दें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बस ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये आखिरी एक्सरसाइज रहेगी उस तो बाद मैं 5वें चैप्टर से मैं छुट्टियां सारिया रिकॉर्डिंग्स कर लेनियाँ फिर तुम शेयर करी जाया करूँगा एफ एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुण ये नॉर्मल क्यों है बाकी अब नॉर्मल सीगियाँ सब तो बेस्ट नॉर्मल है ये परमात्मा राजे डिस्ट्रीब्यूशन की यही होंगी बैल शेप्ड समिट्रिक पूरी जिहदी उधर ओहो जी उधर तो हरेक डिस्ट्रीब्यूशन ना हर एक डिस्ट्रीब्यूशन किसी ना किसी पॉइंट पर जाके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है ये परमात्मा है इन्हों की समझ गई हुण मैं तुहानू दस्सदा हरेक डिस्ट्रीब्यूशन किसी ना किसी पॉइंट पर जाके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है
ਪਰ ਉਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਵਾਂ, ਡਿਲੀਟ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਰਾਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਐਵੇਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਥੇ ਏ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਪਾਈ ਆ, ਮਾਈਨਸ 1/2 ਉੱਪਰ ਸਕੇਅਰ ਆ। ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਏ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਟ 'ਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ ਭਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, ਰਾਜੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਹੋਣਾ, ਆਪੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲਉਂਗੇ ਨਾ, ਆ ਪਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਐਡਾ ਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਏ ਓਵਰ ਬੀ ਐਕਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਈ ਭਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਈ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਬਾਈ 2 ਡੀ ਵਾਈ, ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੂਟ 2 ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਹਜੇ ਪਰੂਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ, ਪਰੂਫ ਵੈਸੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੂਟ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਛਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਬਸ ਅੱਜ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਈ ਦੀ ਟੀ ਐਕਸ 36-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, 40 ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ 65 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਐਂ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਕਚਰ, ਹੈ ਨਾ, 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 40-65 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ।